और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, बाबा से लिया जीत का आशीर्वाद। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बाबा के दर पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर जीत का आशीर्वाद लेते हुए बाबा विश्वनाथ से नजर आ रहे। दरअसल आपको बता दें, ये दो दिवसीय दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी का। कार्यकर्ताओं के साथ कल उन्होंने बैठक भी की थी, कल ही पहुंच गए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी। और ऐसे में अब आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का कार्यक्रम था। सबसे पहले दर्शन पूजन कर बाबा से जीत का आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ अब आज की बात अगर करें तो आज कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने का कार्यक्रम है, चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आज करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल भी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा था कि सबसे लोकप्रिय सांसद है, 542 सांसद में से सबसे लोकप्रिय अगर कोई सांसद है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और यहां पर वो कहते हुए नजर आए थे कि किसी से उनका मुकाबला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतनी व्यस्तता के बाद भी, सांसद बनने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर आते रहते हैं, हर बार काशी वासियों के लिए सौगात पीएम मोदी लेकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा इस वक्त फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और ऐसे में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर जीत का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। और कल भी तमाम कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, सभा को संबोधित किया था। अमित शाह ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करने और परिवारवाद से देश को मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो ये कुछ बड़ी बातें कहते हुए अमित शाह नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल से मैं विधायक और सांसद रहा हूं लेकिन मेरे सिर पर कभी भी नरेंद्र मोदी जितनी जिम्मेदारी नहीं रही। 100 साल के वरिष्ठ नागरिकता तक सबकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी को है। तो ये कुछ बड़ी बातें कहते हुए अमित शाह नजर आए।